कैसे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीवो वाई ट्वेल्व के बारे में। जी हाँ, वीवो वाई ट्वेल्व जो है काफ़ी जल्दी जो है इंडियन मार्केट में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में वीवो वाई ट्वेल्व डिवाइस के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। इस डिवाइस की जो मेन स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट किया तो आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में। जी हाँ, इस डिवाइस में आपको 6.35 इंचेस का HD डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिवाइस में आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको 720p × 1080p जो है आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। HD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो है 2.5D कर्व ग्लास की सपोर्ट, जी हाँ, कर्व ग्लास की सपोर्ट जो है आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस डिवाइस की प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड, इसमें आपको मीडियाटेक की हेलियो P22, जी हाँ, मीडियाटेक की हेलियो P22 प्रोसेसर मिलने वाला है। MT6762 जो है मीडियाटेक की इसमें मिलने वाला है। इसमें जो है आपको 2GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलने वाला है। जी हाँ, 2GHz आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंटरनल स्टोरेज एंड इसके रोम के बारे में, जी हाँ, इंटरनल स्टोरेज एंड इसका जो है रैम के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड, इसमें आपको दो अलग अलग रैम वेरियंट, दो अलग अलग इंटरनल स्टोरेज वेरियंट में आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगा। एंड इसके जो है अलग अलग वेरियंट के ऊपर अलग अलग प्राइस भी रखा गया है। अगर हम इसके 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज की बात करें एंड इसका जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा लगभग 11,990 रुपये। एंड अगर हम बात करें इसकी 4GB रैम 64GB स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 12,500 रुपये के आसपास जो है आपको प्राइस इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके कैमरे की बात करें फ्रेंड, जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है। जी हाँ, 13MP, 2MP एंड 8MP, ये जो है ट्रिपल रियर कैमरा आपको सपोर्ट देखने मिलता है। AI के ऊपर बेस है। कैमरे की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कैमरा आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। इस डिवाइस में आपको 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलने वाला है एंड 5000mAh का। जी हाँ, 5000mAh की जो है आपको बहुत ही बड़ी बैटरी आपको इस डिवाइस में दिया जा रहा है। एंड इसमें जो है फास्ट चार्जर की सपोर्ट आपको अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, फास्ट चार्जर की सपोर्ट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। USB टाइप सी मिलने वाला है। जी हाँ, इसमें आपको USB टाइप सी मिलने वाला है। इसमें आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 9.0 Pie मिलने वाला है। जी हाँ, आपको जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्सन एंड्रॉयड 9.0 Pie जो है आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो कस्टम UI है फन टच OS के साथ आपको ये डिवाइस आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इसका जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन है। एक 12-13 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज के अंदर जो है इसका स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, आप अगर एक नया डिवाइस लेने के लिए सोच रहे हो तो फ्रेंड्स आपके लिए जो है गुड ऑप्शन होके आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्राइस स्टेटमेंट की कंपैरिजन में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, जो भी Xiaomi है, Realme है, इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा हल्का रह जाएगा। जी हाँ, उस डिवाइस में जो है आपको जैसे कि Realme का Note 3 है, Note 3 Pro है एंड Redmi का 7 है, इसमें इस सब में जो है आपको Qualcomm Snapdragon की जो है चिपसेट इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस डिवाइस में जो है Vivo MediaTek की Helio P22 देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है ये डिवाइस। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी क्वेश्चन के आंसर जरूर देने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली सुबह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतने, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।